हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज अवर हनी। गाइस, मुझे ना आज इतनी इम्पोर्टेंट बात आप लोगों से शेयर करनी है। शायद आप लोगों को पता भी होगा इस बारे में, मतलब मुझे गर्व हो रहा है अपने इंडियन होने पे। आज इतना गर्व कभी नहीं हुआ जितना आज हो रहा है। उसकी वजह क्या है? हमारे जो मतलब प्राइम मिनिस्टर है, वो उनके राज्य में इतना काम हो रहा है, इतना मतलब उनकी सरकार इतना जल्दी जल्दी जो काम कर रही है, मतलब जो चीजें हम लोगों ने मतलब पहले सुनी होती थी कि वो लोग सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, कि वो यूएस से लॉन्च कर रहा है। पहले तो सिर्फ ये कंट्रीज करती थी बाहर की, अब तो इंडिया, इंडिया की नजर, पूरे वर्ल्ड की नजर है इंडिया पे आज। सही बात, इंडिया इतने सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। सही बात है, सही बात है। तो गाइस, इतना ज्यादा मतलब न्यूज में छाया हुआ है कि मोदी जी ने जो काम किया है। एक जगह है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां से लॉन्च हुआ है, वहां से श्री हरिकोटा, वहां से लॉन्च होती है सारी सैटेलाइट। तो गाइस, उस सैटेलाइट का जो नाम है वो चंद्रयान 2 है। और वो वैसे गाइस, हम लोगों ने ये सब चीजें कहां सुनी होती थी? यूएसए ने कोई सैटेलाइट लॉन्च की है, सारे विदेश में ही होता था हमेशा ये काम। इंडिया से तो कोई कभी सोचता भी नहीं था कि इंडिया इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम करेगा। और आज उन्होंने जो सैटेलाइट लॉन्च किए है, उसकी वजह से पूरी दुनिया की नजर हमारे ऊपर है। सब न्यूज में, न्यूज चैनल पे आंख लगा के बैठे हुए कि कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया, कब लॉन्च किया, कहाँ लॉन्च हो रहा है, क्या क्या करेगा। तो ये सैटेलाइट मून पे जाएगा और मून के चारों तरफ घूमेगा, मून की पिक्चर्स लेगा, मून के इर्द गिर्द पिक्स लेगा, खींचेगा, पिक्चर्स खींचेगा, वहां का वेदर कैसा है वो सब भी उसमें सब कैप्चर होगा। तो मतलब बड़ा ही मतलब क्या बोलते हैं, खुश हूँ आज मैं बहुत ज्यादा कि मतलब प्राइम मिनिस्टर ये दिन दिखा रहे हैं हमको। नहीं तो हमारे अभी तक इतने प्राइम मिनिस्टर आए, पर ऐसे दिन हमने कभी नहीं देखे जो हम देख रहे हैं। और इंडिया का नाम हो रहा है सबसे बड़ी बात, इसलिए आज इंडियन होने में बहुत ज्यादा घमंड हो रहा है मुझे। तुम्हें हो रहा है? तो अब क्या होगा कि क्या कहते हैं, कैसी सतह है मून की और मून पे कैसी जमीन है, पानी है या नहीं है, कैसा एनवायरमेंट है, वो सब हमको डायरेक्ट उसकी सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन मिलेगी। और वो भी इंडिया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसरो, उसने ये सब काम किया है। तो इंडिया का बहुत ही ज्यादा नाम होने वाला है इस चीज में। वो बात है गाइस, आप लोग खुश हैं क्या इस न्यूज को सुन के? मतलब हम तो बहुत खुश हैं। तो हम लोगों को एक्चुअली खुश नहीं होना चाहिए, हम लोगों को यूट्यूब पे या इस पे सोशल मीडिया पे हम लोगों को पीएम को बहुत ही ज्यादा थैंक्स बोलना चाहिए, ताकि उन लोगों का हौसला और ज्यादा बढ़े कि हमने अगर ऐसा प्राइम मिनिस्टर चूज किया है तो वाकई में हमारा देश बदल रहा है, हमारा देश तरक्की की ओर जा रहा है, टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी ला रहा है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। तो गाइस, टाइम लगता है हर एक चीज में, बस आप इंतजार कीजिए। अगर आप लोग को लग रहा हो कि अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत है, अभी देखिए आगे क्या होता है। तो गाइस, अगर ये मेरा छोटा सा एक क्या बोलते हैं, छोटी सी आप लोगों से एक खुशी थी, वो शेयर करनी थी मुझे। तो बस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो मेरा, तो लाइक देना मत भूलिए। कुछ कहना है क्या? बल्कि पता है क्या हुआ था, लास्ट वीक ये सैटेलाइट लॉन्च होने के लिए था, बट लॉन्च होने से 10 मिनट्स पहले ही उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से वो सस्पेंड कर दिया गया, उसको लॉन्च नहीं किया गया। और उसको अब आज लॉन्च किया हुआ है, करीब 2:30 बजे या 2:45 बजे लॉन्च हुआ है वो। ठीक है गाइस, इतना आज के लिए बहुत है। और चाहे तो आप लोग खुद देखें, न्यूज वगैरह में छाया हुआ है, आप लोग चाहे तो न्यूज खोल खोल के देखिए, वही नजर आएगा हर जगह। मोदी जी के जो कार्य हैं वही नजर आएंगे। और गाइस, मोदी जी से मेरे को एक बात कहनी है, यू आर ग्रेट, यू आर बेस्ट। मोदी जी तो ग्रेट है वही करके दिखाएंगे कुछ, वरना इंडिया कहां जा रहा था और उन्होंने उठा के कहां पे लेके आया। चलिए गाइस, फिर अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक देना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ हम लाते रहेंगे अपने चैनल पे। हालांकि मेरा चैनल एक है तो बहुत नॉर्मल सा चैनल, लेकिन मेरे को कुछ भी इम्पोर्टेंट अगर पता चलता है यहाँ वहां से, तो मैं आप लोगों से जरूर शेयर करती हूँ। खुशी हो, गम हो, हर तरह से चीज को शेयर करना चाहिए। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, तो मैंने कहा शेयर करना तो बनता है। इनको मैंने कहा थोड़ा देर बगल में बैठो, ये कुछ काम कर रहे थे, मैंने कहा मुझे एक वीडियो शूट करना है। इन्होंने कहा कौन सा वाला? मैंने कहा बस अभी आप देखते रहो। और गाइस, मैं बोल नहीं पाया उससे पहले यही बोलना शुरू, ये न्यूज मैंने ही बताई थी सुबह, ज्यादा बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ गाइस, जैसे इन्होंने ही मेरे को सुबह ये वाली न्यूज दी थी कि ऐसा ऐसा कुछ है, हमने अच्छा, और मैंने कहा इस पर वीडियो बनानी है मेरे को। तो गाइस, मेरे को भी टाइम मिला चाय पीने के बाद, मैंने कहा मेरे को अच्छी सी वीडियो बनानी है।
तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं आप लोगों से, कमेंट करना मत भूलिएगा गाइस, कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर लाइक मतलब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो नीचे वंदे मातरम लिख देना या फिर जय हिंद लिख देना, कमेंट में लिखिए जय हिंद या पीएम मोदी इज ग्रेट, ऐसा कुछ भी लिख देना मेरा दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं आप लोगों से कल किसी और ब्लॉग में, किसी अच्छी सी स्टोरी के साथ या किसी अच्छी सी किसी भी चीज के साथ किसी अच्छी सी स्टोरी के साथ या फिर किसी अच्छे से डीआईवाई के साथ या फिर किसी रेसिपी के साथ या फिर किसी ऐसी स्टोरी के साथ या फिर इम्पोर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक के लिए हनी को दे दीजिए इजाजत, सायोनारा।